इस समय हम मौजूद हैं मऊ के कलेक्ट्रेट के सामने। घोसी चुनाव का मतगणना जारी है, मतगणना हो रही है। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि तमाम प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक लोग यहाँ पर हैं और मेन गेट पर मौजूद हैं वो लोग। हालांकि जिनका पास है उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को यहीं पर बाहर खड़ा कर दिया गया है। लेकिन कुछ रुझान निकल कर आए, अभी कुछ समय पहले पता चला कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ऐसे में मैं बात करूं अगर उपचुनाव के पीछे वोटिंग के पहले की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की हो, दोनों पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। कम से कम यहां पर बीजेपी के 10 से 15 मंत्री यहां पर लगातार उनकी गाड़ियां घोसी के गलियों में, घोसी के रोड पर, घोसी के गाँव में लगातार चल रही थी और लगातार बीजेपी के विधायक बनाने का वो अपील कर रहे थे कि नहीं यहाँ से दारा सिंह को विधायक बनाया। हालांकि वहीं पर समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव वो भी यहाँ पर आए थे और घोसी की जनता से एक भारी अपील किए थे कि यहाँ पर विधायक बनाए सुधाकर सिंह को। लेकिन क्या कुछ निकल कर आता है ये तो धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है ये तय करेगा, दोपहर के बाद या फिर शाम होते होते ये तय हो पाएगा कि आखिर घोसी से विधायक कौन बन रहा है। हालांकि हम लोग जब लोगों के बीच जा रहे थे उस समय ऐसा लग रहा था कि माहौल जो दिख रहा था वो समाजवादी पार्टी का दिख रहा था, लेकिन तमाम ऐसे साइलेंट वोटर भी थे जो ये बताने में असमंजस में थे। वो कह रहे थे कि मैं निर्णय तब ले पाऊंगा जब मैं वोट करने जाऊंगा। और वहीं अगर बीएसपी की बात कीजिए, जो बीएसपी के वोटर हैं, दलित की बात की जाए, तो यहाँ पर बीएसपी का प्रत्याशी नहीं था मैदान में। तो अब ये भी लोग कह रहे थे कि जो बीएसपी का जो वोटर है वो जहाँ चला जाएगा, जिनके साथ बीएसपी का वोटर जाएगा वही घोसी का विधायक बनेगा। लेकिन हम कई दलित बस्ती में भी गए थे तो वहाँ से भी लोगों की ये राय आ रही थी कि भैया हम तो दल बदलू के साथ नहीं रहेंगे या फिर हम घर के जो लाल हैं हम उनको विधायक बनाएंगे। हालांकि ये भी बातें हैं कि जो बीएसपी के वोटर थे वो कम संख्या में वोट करने गए, यहाँ पर वो वोटिंग की परसेंटेज जो है वो भी कम हुआ। अब की बार पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात किया जाए तो उसकी अपेक्षा अब की वोटिंग प्रतिशत जो है वो वोटिंग कम हुआ यहाँ पर। ऐसे में बहुत ज़्यादा वोट नहीं हुआ, लेकिन अब दोनों पार्टियों ने पूरी अपनी जोर झोंक दी थी, पूरी अपनी ताकत लगा दी थी। जैसे भी हुआ दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। और अगर मैं वोटिंग के बाद की बात करूं तो इसी कलेक्ट्रेट में ईवीएम मशीन को रखा गया था और ईवीएम मशीन की लगातार निगरानी की जा रही थी। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ईवीएम मशीन को सीसीटीवी वीडियो के जरिए लगातार निगरानी में थे। दिन की बात हो या फिर रात की बात हो, लगातार वो जमे हुए थे कि भाई सीसीटीवी वीडियो के जरिए ईवीएम की निगरानी कर रहे थे कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, लगातार वो निगरानी में थे। ऐसे में सुधाकर सिंह भी थे, शिवपाल यादव की भी बात की जा रही थी, अखिलेश यादव की बात की जा रही थी कि लगातार लोग जहां पर भी थे वहीं से निगरानी लगातार वीडियो कॉल के जरिए ये निगरानी लगातार की जा रही थी कि ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो जाए। ऐसे में आप प्रशासन के देखिए चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर पूरे मेन गेट पर लगातार लोग यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन के जवान लगातार सुरक्षा में लगे हुए। किसी बाहरी व्यक्ति को या फिर जिनका पास नहीं है उनको यहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उनका परमिशन नहीं कि आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसे में कुछ जानकारियाँ निकल कर आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे चल रही है, ऐसा रुझान निकल कर आया, ऐसी सूचनाएँ मिल रही है कि बीजेपी यहाँ से आगे चल रही है।